प्यारे भक्तों, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती माता के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हरितालिका तीज का नामकरण सखी द्वारा हरी जाने पर इसका नाम हरत आलिका पड़ गया। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के माध्यम की कथा कही थी। कथा कहने के पश्चात भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। शंकर जी ने पार्वती माँ से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। आइए भोले शंकर और माँ पार्वती का ध्यान धरकर कथा को आरंभ करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सौभाग्य वो पाए।
जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए।
जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए, जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए।
वरण कर चुकी। आप मुझे स्वीकार कर ले, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। हर ताल का तीज की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए, जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए। गिरिराज तुम खोजते खोजते वहां जाते हैं, देख के ऐसी दशा तुम्हारे बड़ा पछताते हैं। शिव शंकर से तय करेंगे, गिरिराज ही बोले बात ये मान ही जाते हैं, मान ही जाते हैं। हर ताल का तीज की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए, जो इस व्रत को पुगाए सौभाग्य वो पाए। देव महादेव की जय। भक्तजनों, आपने भगवान भोले शंकर के अनन्य भक्तों की अनेकानेक गाथाएं वेद पुराणों के माध्यम से देखी, पढ़ी व सुनी होंगी, परंतु आज मैं आपको भोले शंकर के अनन्य भक्त भागीरथ की, उनके प्रति उद्गारों की
संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, आप सभी को ज्ञात है कि यदि भक्त भागीरथ न होते तो माँ गंगा कदापि धरती पर नहीं आ पाती। परंतु स्वयं भागीरथ इस विषय में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं इस संगीतमय गाथा के माध्यम से। तो एक बार फिर सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गंगा धारी मेरा नाम हो रहा है, करते हो गंगा धारी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्तजनों, जब भागीरथ माँ गंगा को धरा पर लेकर आए और अपने पुरखों की राख गंगा जल में समाहित करी और उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करवाया, तो पूरी त्रिलोकी में उनके इस कार्य के प्रति जय जयकार होने लगी। सभी भक्त भागीरथ को पूजनीय मानने लगे। परंतु भागीरथ स्वयं जानता था कि यदि भगवान शिव शंकर कृपा न करते तो कभी भी माँ गंगा धरती पर नहीं आ सकती थी और कभी भी उसके पुरखे प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकते थे। इसीलिए तो शिव के चरणों में बैठकर वो करुण स्वर में केवल यही प्रार्थना कर रहा है। भटकते मेरे पुरखे दर दर वो प्रेत बन के, थे भटकते मेरे पुरखे दर दर वो प्रेत बन के, था ना कोई उपाय मुक्ति का मुझको इनके, था ना कोई उपाय मुझको इनके। पुरखों का मेरे भोले अपमान हो रहा है, पुरखों का मेरे भोले अपमान हो रहा है। जनों, भागीरथ भगवान शिव के चरणों में बैठकर नतमस्तक होकर बार बार यही कह रहा है, बाबा मेरी कई कई पीढ़ियां माँ गंगा का तप कर करके हार गई थी और मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, परंतु कोई भी माँ गंगा को धरा पर ला नहीं सका। हे भोलेनाथ, ये केवल आप ही की प्रेरणा थी कि जिसके कारण मुझे यह अनुभूति हुई कि माँ गंगा को धरा पर लाने के लिए मुझे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा। जो सच भोले मुझको तुम राह ना दिखाते, जो सच भोले मुझको तुम राह ना दिखाते,
मुक्ति का तुम उपाय भोले नहीं सुझाते, मुक्ति का तुम उपाय भोले नहीं सुझाते। गंगा कभी न आती, सच भक्त बोलता है, गंगा कभी न आती, सच भक्त बोलता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त भागीरथ भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होकर आगे कहता है कि हे भोले शंकर, आप ही की प्रेरणा से मैंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का तप किया, उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दर्श भी दिया और गंगा माँ को धरा पर भेजने के लिए तैयार भी हो गए। परंतु प्रश्न यह था कि माँ गंगा का भारी वेग यदि धरती पर पड़ा तो धरती माँ के दो टुकड़े हो जाएंगे, अतः धरती पर जाने से पहले माँ गंगा के वेग को किसी को धारण करना होगा। और स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मुझे बताया कि यह कार्य त्रिलोकी में कोई कर सकता है तो वो हैं देवों के देव महादेव। गंगा का वेग केवल शिव ही करेंगे धारण, गंगा का वेग केवल शिव ही करेंगे धारण। वो बनेंगे तेरे पुरखों की मुक्ति का तो कारण, वो बनेंगे तेरे पुरखों की मुक्ति का तो कारण। ब्रह्मा हरि के मुख से गुणगान हो रहा है, ब्रह्मा हरि के मुख से गुणगान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और फिर मैंने आपका आह्वान किया प्रभु, और आप दानियों के दानी महादानी, देवों के देव महादेव, भक्त वत्सल, आपने मेरी करुण पुकार सुनी और मुझे दर्श दिया। मेरी पुकार सुनकर मेरे पुरखों के कल्याण हित आपने अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने की स्वीकृति दी। माँ गंगा स्वर्ग से चली और आपकी जटाओं में आकर समा गई भोलेनाथ, और फिर आपने मेरे पीछे पीछे माँ गंगा की एक निर्मल धारा छोड़ी प्रभु। मैं गोमुख के रास्ते माँ गंगा को धरा पर ले आया, अपने पुरखों को तिरा दिया केवल और केवल आपके कृपा से। परंतु ना जाने क्यों प्रभु, ये सारा जग माँ गंगा को लाने के लिए मेरा धन्यवाद करता है। परंतु सत्य तो ये है कि यदि आपकी कृपा ना होती तो माँ गंगा कभी धरा पर ना आती और मेरे पुरखे आज भी प्रेत योनि में भटक रहे होते। हे भोले शंकर, मैं आपके चरणों में नमन कर रहा हूँ। बोलिए गंगाधारी भोलेनाथ की जय। गंगा को शीश धारा, गंग
जी हो कहाए, गंगा को शीश धारा गंगधारी हो कहाए, ये भक्त भागीरथ तो चंदन तिलक लगाए, ये भक्त भागीरथ तो चंदन तिलक लगाए। शिव जी के चरण कमलों मेरा ध्यान हो रहा है, शिव जी के चरण कमलों मेरा ध्यान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गंगा धारी मेरा नाम हो रहा है, करते हो गंगा धारी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः
तब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी पुरब प्रतिज्ञा दासु पुरारी। चीत के लंक विभीषण दी
एकादशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। चौसठ जा अस्तुति चालीसा।